महाराष्ट्र की रहने वाली महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी। दोनों को एक संतान हुई जिसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह ग्वालियर में ही मजदूरी पर जाने लगी, जहां उसकी दोस्ती मुरैना जिले के रहने वाले निकेश सिंह यादव से हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद निकेश उसको शादी का झांसा देकर शिवपुरी ले आया, जहां उसने किराया का कमरा लेकर उसके साथ लगातार 5 साल तक बलात्कार किया और अब फिर शादी की बोली पर उसको छोड़कर भाग गया, जिसकी शिकायत उसने बुधवार को शिकायत आवेदन के माध्यम से एसपी ऑफिस में दर्ज कराई, पर सुनवाई न होने के चलते महिला एक बार फिर आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंची है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली किरारे। कहाँ की हैं आप? मैं महाराष्ट्र की नागपुर साइड की। अच्छा, शिवपुरी पुलिस अध्यक्ष कार्यालय आई हैं, आप किस समस्या को लेके आई हैं? मेरे पति की समस्या के लिए, मेरे को 5 साल से यहाँ पे रख रहा है और मैं बोल रही हूँ उससे शादी कर लो शादी कर लो, शादी नहीं कर रहा है। मेरे को बोल रहा था 10 तारीख को कि मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में मैं आ जाऊँगा, और 2 दिन के आज 4th दिन हो गया। मोबाइल बंद है, सब बंद है, घर वाले का मेरे पास कॉल आया था, बोल रहा था आप बैठ के क्या कर रहे हो, तो कुंवारी लड़की लेके भाग गया। कहाँ का है जी? मुरैना का। शादी कर ली क्या? हाँ, जो बोल रहे तो वो लड़की कहाँ की आपको पता है? वो लड़की का नाम वगैरह तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो लड़की जो कह रहे खनोटा गांव की है। अच्छा, खनोटा गांव की लड़की है और जी मुरैना। आपके संपर्क में कैसे आया था ये? ये जैसे मैं काम करती थी, बेलदारी करती थी, वहाँ से मेरे को बातों में ले लू के फुसला के मेरे को लेके गया। 5 साल से मेरे पास अच्छा रहा, लेकिन अब वो मेरे से ऐसा कर रहा है। मेरा छोटा बच्चा है पहले आदमी का, तो मेरे पास में है अभी, तो हमको दोनों को छोड़ के चला गया, मेरे जेवर लेके गया और 4 लाख रुपए लेके गया। पहले शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी पहले ग्वालियर में हुई थी। तो पति को छोड़ दिया गया कि कुछ हो? मेरा पति ने मेरे को भगा दिया था, मेरे को उसका पता नहीं है, वो कहाँ पर है ना उसको पता है, हम कहाँ पर है। अच्छा, वो हमारे लिए, हम मर गए उसके लिए, वो हमारे लिए मर गए। आपने क्या ढूंढने की कोशिश नहीं की उसका भी? हमने उसको ढूंढा था लेकिन वो हमको नहीं मिला कहीं पे भी नहीं। शिवपुरी में कहाँ पे रखा था आपको? शिवपुरी को मेरे को यही रखा था फिजिकल पे। फिजिकल पे किराए के मकान में? हाँ, किराए। क्या करता है? जो टावर पे जॉब करता था। काई के टावर पे? JTL कंपनी के टावर। अच्छा, कितनों से गायब है जी? जी अभी इनको हो गए 4-5 दिन हो गए गायब हुए। तो आपके साथ कितनी रही थी मतलब जी? 5 साल। 5 साल से रह रही थी। 5 साल में कुछ गलत भी किया है? हाँ, सब मेरे साथ बेटा भी है और पेट में बच्चा आया था वो भी गिरा। कितने साल का बेटा? मेरा 10 साल का बेटा है। अभी मेरा एक छोटा लड़का रहता था ना इसी का, वो तो मेरा 4 साल का रहता था, वो उसने सफाई अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन करवा दिया। थाने पे नहीं गए आप? थाने पे नहीं गए थे, वो बोल रहे मेरे को अभी नहीं चाहिए, अपन शादी कर लेंगे तब। मेरे को अभी जे जनवरी की 3 तारीख दी थी शादी के लिए, तेरे अपन 3 तारीख को शादी कर। अच्छा, तो आप मजदूरी बता रही थी, मजदूरी करती थी, कहाँ पे करती थी? मैं कोई भी शायद लग जाती। किस जगह पे? शिवपुरी में। शिवपुरी में। तो शिवपुरी में पहले से कैसे रह रही थी आप, जब आपका पति ग्वालियर का, आप महाराष्ट्र की? जैसे ग्वालियर से मेरे शिवपुरी साइड लगती तो शिवपुरी आ जाती, ग्वालियर लगती तो ग्वालियर ही रह जाती। तो इसका और आपका कांटेक्ट कहाँ हुआ? इनका मेरा कांटेक्ट इस वजह से हुआ, जो साइड है ना बनाता था पहले, साइड बनाता था ना, वहाँ पे मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वहाँ से मेरे को बातों में लेके ये अपने इधर ही लेके आया। मेरे से बोल रहा था काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रहो, मैं कमाता हूँ, मैं पालूंगा तुम्हारे। तो अच्छा, बच्चा कितने महीने का है आपके पेट में? मेरे पेट में बच्चा अबॉर्शन करवा दिया, मेरे 4-5 महीने। अच्छा, का बच्चा। टॉवर पे क्या ठेकेदार वगैरह हैं क्या? नहीं, वो बोल रहे थे मैं सीनियर हूँ, जैसे वो टावर वगैरह देखते तो जाना जी जाते थे आपको ले जाते थे? जी अपने एयरटेल कंपनी की टावर है।